नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 सितंबर आज की तारीख है। आज का डेली 30 जो है वो औद्योगिक विकास के बारे में है। भारत में जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, कैसे यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों को डेवलप किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आज के करंट अफेयर को देखेंगे। डेली 30 सितंबर का जो ये प्रोग्राम है, इसमें 109 सब्सक्रिप्शन के साथ आप इसका डेली PDF और डेली का टेस्ट और वीकली टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो सबके लिए फ्री है, आराम से आप देखें, लोगों को शेयर करें। UPPCS, ROERO, UPSC, उत्तराखंड PCS या किसी अन्य एग्जाम के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक ऐसी सीरीज है जिसमें रोज आपका एक टॉपिक और करंट अफेयर तैयार होता रहता है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में एक ऐसी वेल्ट पाई जाती है जहां पर कपास का उत्पादन होता है और उस कारण से ये क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है औद्योगिक प्रदेश के तौर पर। तो पहला स्टेटमेंट यही दिया है कि इसका विकास कपास उत्पादन क्षेत्र के रूप में होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से हुआ है। वर्तमान में यह प्रदेश बेंगलुरु के देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित होने से बेहद तीव्र गति से विकसित हो गया है। और अगला है कि इस औद्योगिक प्रदेश में परंपरागत सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग के अलावा सॉफ्टवेयर उद्योगों का विकास हुआ है। अब बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर कपास के उत्पादन के कारण सूती वस्त्र उद्योग था। बाद में धीरे धीरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियां डेवलप हुई और सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास हुआ और उसने इसमें भी हेल्प की। जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो हर क्षेत्र में उसका लाभ भी मिलता है। लेकिन अब ये क्षेत्र केवल उसके लिए नहीं, भारत की सिलिकॉन वैली इसको बोला जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा योगदान। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे भारी इंजीनियरिंग उपकरण बनने वाले उद्योग आपको मिल जाएंगे, रेल डिब्बे के कारखाने आपको मिल जाएंगे, डीजल इंजन, रेडियो और हल्के भारी इंजीनियरिंग उपकरण सहित हर तरीके के टायर, शक्कर, सीमेंट, इन सभी उद्योगों का विकास होता है आपको मिलेगा। चमड़ा उद्योग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, रेल डिब्बे के कारखाने मिल जाएंगे, हथकरघा उद्योग भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये पूरी बेल्ट अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अन्य उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा डेवलप है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोलकाता हुगली प्रदेश बिहार में स्थित है और दूसरा है हुगली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है ये बिहार में नहीं स्थित है तो पहला गलत हो जाएगा, और हुगली जो है ये इसकी सहायक नदी है। कई बार आपसे पूछा गया है हुगली किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको जानना चाहिए। हुगली किसकी सहायक नदी है, ये प्रश्न इंडिविजुअल आपसे कई बार यही प्रश्न पूछा गया है ना। हुगली नदी यहाँ पर सस्ता जल देगी, औद्योगिक जल की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेगी। औपनिवेशिक काल से ही ये इंपॉर्टेंट नदी के तौर पर इसलिए हो जाएगी क्योंकि उद्योगों का विकास होगा, कोयला क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हुगली किसकी सहायक है ये प्रश्न बताइए, ये गंगा की सहायक है। हुगली जो है हुगली गंगा की सहायक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये कोलकाता हावड़ा का जो पूरा क्षेत्र है औद्योगिक प्रदेश जो है वो इसी के कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के केंद्र में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में औद्योगिक वितरण बेहद असमान रहा है और उद्योग विशेष करके प्रमुख मांग के अनुसार देश के विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ है। उद्योग की विशेष प्रमुख मांग के कारण, उद्योग विशेष की प्रमुख मांग जहां पर रही है वहां पर उसका विकास हो गया ये कहा जा रहा है। यानी कि स्पेसिफिक डिमांड, जो वेरियस इंडस्ट्री डेवलप हुई है, जो रीजन डेवलप हुए हैं वो स्पेसिफिक डिमांड के कारण हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या आप सही मानते हैं, क्या समान विकास हुआ है? तो समान विकास नहीं हुआ है, औद्योगिक विकास असमान रहा है। हर क्षेत्र में कहां आपको उद्योग मिलेंगे, जितना सॉफ्टवेयर उद्योग आपका बेंगलुरु में डेवलप मिलेगा क्या आपको यूपी में बिहार में मिल पाएगा? एक दो शहर छोड़ दीजिए कि कंपनियां हैं वहां पे, लेकिन हब हर जगह एक तरीके का नहीं। जहां पे कच्चा माल मिलेगा वहां उस तरीके के उद्योग होंगे, तो असमान रहा है। और विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों का विकास स्पेसिफिक डिमांड पर हुआ है, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए कोई समरूपता नहीं देखने को आप पाएंगे, है ना। जहां पर कच्चा माल मिलेगा, ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी, परिवहन सस्ता होगा, श्रम बाजार मतलब परिवहन की सुविधा होगी, श्रम सस्ता होगा, बाजार की उपलब्धता होगी, उसी के आधार पर आप उद्योगों का डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, शीशे का उपयोग प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सी
तीसरा लेड इंडस्ट्री है, लेड इंडस्ट्री किसमें किस किस चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है, कांच बनाने में, बैटरी बनाने में या बिजली के केबल बनाने में। ये जो सभी चीजें दी हैं इनमें से छांटना है आपको, और ये सारी चीजें ग्लास, बैटरी, इलेक्ट्रिक केबल, हर एक चीज में शीशे का उपयोग किया जाता है। लेड इंडस्ट्री इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और भारत में शीशा का उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से मंगाया जाता है। कई चीजें जो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। औद्योगिक विकास के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है कि हमारे यहाँ कच्चा माल कितना उपलब्ध है, किस क्षेत्र का कैसा कच्चा माल उपलब्ध है, उस क्षेत्र में उद्योगों का विकास अपेक्षा के दूसरे क्षेत्र से ज्यादा होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, औद्योगिक कंपनी और कारखाना, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कोरबा छत्तीसगढ़, दूसरा है यहाँ पर हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को, ये दिया हुआ है, और सॉरी नहीं, दूसरा है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, और अगला दिया हुआ है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको भी मालको बोलते हैं, और इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया है कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये झारसुगुड़ा लंजीगढ़ उड़ीसा में है, जबकि मद्रास एल्युमिनियम अगर मद्रास पे आप ध्यान देंगे तो उड़ीसा में नहीं, ये तमिलनाडु में। ऐसे ही आप क्वेश्चन को पकड़ के सही कर सकते हैं, आप क्वेश्चन की पॉइंट को पकड़िए। आप लोग पढ़ते रहते हैं किताब में सर घुसाए रहते हैं और ये नहीं जान पाते हैं कई बार कि चीजें पूछी कैसे जाती हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओडिशा में मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाम है, ऐसा नहीं नाम रखा नहीं जा सकता, लेकिन नॉर्मली नहीं रखा जाएगा ना। और कई लोग इसमें ऐसा क्यों, नाम तो रखा जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बड़ी बात इसमें है ना, नॉर्मली ऐसा नहीं रखा जाएगा ना, तो इसलिए ये आप वैसे भी कर सकते हैं। जल विद्युत यहाँ किससे प्राप्त होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जब आप एल्युमिनियम कंपनी लगाएंगे तो उसमें विद्युत की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ मैटूर परियोजना है वहां से जल विद्युत मिल जाती है। एल्युमिनियम में आपको अयस्क बॉक्साइट, बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट की जरूरत पड़ेगी, सेवराई पहाड़ी से इसको बॉक्साइट मिल जाता है। तो इस तरीके से ये मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि मैटूर में है, तो ये कारखाना ऐसे चलता है। रेणकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित एल्युमिनियम कारखाना कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो रेणकूट वाला जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम एल और कंपनी सीओ से कंपनी हो गया, एल से एल्युमिनियम हो गया, और हिंड से हिंडाल्को हिंदुस्तान हो गया, तो इस तरीके से ये हिंडाल्को बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये रेणकूट में स्थित है। रेणकूट में यहाँ का जो कारखाना है ये बॉक्साइट प्राप्त करता है झारखंड के लोहरदगा से, रांची व पलामू जिलों से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ राज्य से, यहाँ से बॉक्साइट ले लेता है। रिहंद जल विद्युत परियोजना है, वहां से इसको जल की प्राप्ति हो जाती है, और जब इसको स्थापित किया गया था तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के हेल्प से किया गया था, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो पहले आया था, वहां पे इंडस्ट्री का विकास पहले हो गया था, तो इस कारण से इनका जब विकास होने लगा तो विभिन्न देशों से अलग अलग कंपनियों में सहयोग लिया गया था, तो हिंडाल्को यूएसए की मदद से, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और इसको कहां से जल विद्युत, तो आप याद रखना रिहंद जल विद्युत परियोजना से। बॉक्साइट कहां से, तो कई जगह से, लोहरदगा है, रांची, पलामू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की जो खाने हैं वहां से मिल जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये अगला प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना और एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना, अलग अलग फेज में अलग अलग एल्युमिनियम कंपनियों की स्थापना यहाँ पर की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय, चौथी, ये दिया हुआ है, तो द्वितीय में हीराकुंड, तीसरी में दिया है मैटूर जो तमिलनाडु में, और चौथी पंचवर्षीय योजना में रेणकूट उत्तर प्रदेश दिया है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो रेणकूट उत्तर प्रदेश है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें कि उद्योगों पर ध्यान दिया गया था तो उसी में इसका डेवलपमेंट किया गया था, चौथी नहीं। यूपी स्पेशल के कारण ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड और रेणकूट दोनों है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मैटूर या तमिलनाडु वाला है, और चौथी पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक में आप जाएंगे तो वहां पे बेलगाम में एक एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना की गई थी। लेकिन रेणकूट को आपको ध्यान रखना है कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड फिफ्थ ईयर प्लान के अंतर्गत ही हुआ था। भारत में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना का क्रम 1937 में किसकी स्थापना के साथ आरंभ हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड था, या एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया था, या फिर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही दिया हुआ है। तो ये एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, और उसी के साथ एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया 1937 में जब जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ
तो भारत में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना का क्रम एक स्टार्ट हुआ, तब से कई संयंत्र लगातार लगाए गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत एल्युमिनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं है, क्या यह सही है? और दूसरा है, एल्युमिनियम उद्योग सामान्यतः विद्युत उत्पादन संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं। मैंने आपको भी कई संयंत्र बताए जहां पर विद्युत आपूर्ति की बात स्पेशली की गई, इसलिए की गई क्योंकि विद्युत संयंत्र अगर नहीं होंगे तो कहां से आप ऊर्जा लेके आएंगे, विद्युत की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा स्टेटमेंट इस लिहाज से सही है। और भारत एल्युमिनियम उत्पादन में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है, इतना ज्यादा संयंत्र लगाने का कारण क्या है कि आत्मनिर्भरता मिल जाए। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी तरीके का कोई एल्युमिनियम नहीं मंगाया जाता है, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हम पर्याप्त मात्रा में हम उत्पादित कर लेते हैं। इम्पोर्ट करना अपनी नेसेसिटीज के अनुसार, बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पर कुछ गुणवत्ता युक्त वैसा नहीं मिलता होगा या जैसा भी होगा मंगाती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ भी पर्याप्त होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विजयनगर स्टील संयंत्र कर्नाटक के बेलारी जिले के हॉस्पेट क्षेत्र में अवस्थित है। बेलारी हॉस्पेट अक्सर आपसे कई बार पूछा गया है, तो विजयनगर स्टील संयंत्र कर्नाटक के बेलारी, और ये जो बेलारी आपसे पूछा जाएगा तो ये काहे के लिए, लव एस की खान के लिए जाना जाता है, लव एस की खान, इसे कोयला दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। दूसरा दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लो स्टील से अगर आपको स्टील उद्योग लगाना है तो लोहे से आप उसको बना सकते हैं, और ये बेलारी हॉस्पेट लोह के लिए जाना जाता है, लोह एस के लिए जाना जाता है। बेलारी हॉस्पेट है कहाँ, कर्नाटक में, और कोयला इसको दामोदर घाटी से नहीं प्राप्त होगा, इसको जो कोयला मिलता है, लोह एस तो बाबा बुदान की पहाड़ी चिकमंगलुरु और हॉस्पेट से मिल जाएगा, जल विद्युत तुंगभद्रा परियोजना से मिल जाएगी, याद करिए इसको। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत है। जल विद्युत जो इसको मिलेगी वो तुंगभद्रा परियोजना से मिल जाएगी, और कोयला जो मिलेगा ये तेलंगाना का जो सिंगरेनी खान है, एक सिंगरौली है और एक सिंगरेनी है। सिंगरौली कहाँ है, एक दिन मैंने डिस्कस किया था, यूपी का डिस्कशन मैं कर रहा था तब, सिंगरौली बेल्ट के बारे में जरा बताना आप लोग, है ना। तो तेलंगाना का जो सिंगरेनी खान है, सिंगरेनी खान से इसको कोयला मिल जाता है, बात समझ में आ गई, और बाकी चीजें ये इससे ऐसे मिलती हैं। तो विजयनगर स्टील संयंत्र के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस इस्पात संयंत्र से स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, कौन सा इस्पात संयंत्र है स्टेनलेस स्टील? सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र सेवराय पहाड़ी में जो है वहीं से लौह अयस्क लेके यहां पर स्टील का उत्पादन किया जाता है, और सेलम स्टेनलेस और साथ से सेलम, सेलम इस्पात संयंत्र में ये जो सेवराय पहाड़ी से वहां पर लौह अयस्क लिया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नेबेली क्षेत्र लिग्नाइट के लिए जाना जाता है, तो नेबेली जो लिग्नाइट के लिए जाना जाता है वहां से ये कोयले, लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति कर लेता है, और यहां से जब कोयला इसको मिल जाएगा, लोहा मिल गया, तो ये स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है सेलम इस्पात संयंत्र। 1982 में इसको शुरू किया गया था, स्टार्टिंग इसकी हुई थी, ऑपरेशन इसका शुरू हुआ था 1982 में। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास स्थित है, और दूसरा है कि यह भारत का दूसरा समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना 1982 में भारत सरकार ने, जब सोवियत संघ ने इसके सामने, सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच में 1979 में एक समझौता हुआ था, और उसके बाद में 1982 में स्वीकृति जब भारत सरकार ने प्रदान की तो इसको स्थापित किया गया था। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास ही है, लेकिन ये तट पर समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित पहला इस्पात कारखाना था, दूसरा नहीं था। ऐसे ऐसे फैक्ट जब आपसे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़िए कि दूसरा क्यों लिखा जा रहा है। पहला रहा होगा तभी, दूसरा जल्दी कोई याद नहीं करता, फर्स्ट रैंक वाले को हमेशा लोग याद रखते हैं। अब आप कहेंगे टॉप फाइव टॉप टेन, ठीक है वो अलग एक बात है, लेकिन फर्स्ट हमेशा फर्स्ट होता है, और जब फर्स्ट बनने की आप कोशिश करोगे उसी दिन आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचने लगोगे, बहुत तेजी से उसकी तरफ आप पहुंचोगे। और फर्स्ट हमेशा सबको याद रहता है, पहला प्यार भी सबको याद रहता है, उसको नहीं भूलते लोग ना। इसकी ये स्थापना विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास की गई, और ये भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना, इसको लॉ एस वेलाडीला की खान से मिलता है, वेलाडीला की खान है वहां से लॉयट ले लेता है, और दामोदर घाटी से कोयला जो मिलता है उससे ऊर्जा की प्राप्ति कर लेता है, और यहाँ पर इस्पात संयंत्र लगा दिया गया और इससे इस्पात का उत्पादन किया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट जब स्थापित किया गया तो भारत और
सोवियत संघ के बीच में समझौता हुआ था, 1964 की बात है। अब रूस के नाम से आप इसको जानते हैं, दामोदर नदी घाटी जो है वही दामोदर नदी के तट पर बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ जिसको अब रूस कहते हैं उसके सहयोग से स्थापित किया गया, और इसको झरिया से बोकारो से कोयला मिल जाता है और किरुबुरु से इसको लवैस्क मिल जाता है और दामोदर नदी घाटी परियोजना से इसको जल विद्युत की यानी कि जो विद्युत की जरूरत है वो मिल जाती पूरी हो जाती है। तो ये बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में दामोदर नदी के तट पर लगाया गया था। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसको लवैस्क कहां से मिलता है, तो किरुबुरु से। इसको कोयला कहां से मिलता है, तो बोकारो और झरिया से। अगला जो प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई को कोयला प्राप्ति कोरबा बोकारो व झरिया से होती है और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को बंदरगाह की सुविधा विशाखापत्तनम से मिलती है। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई जो में जो स्थापित है ये विशाखापत्तनम बंदरगाह का लाभ उठाता है, बिल्कुल सही बात है। और इसको लवैस्क मिलता है डल्ली राजहरा से। मैंगनीज बालाघाट, मैंगनीज की भी जरूरत पड़ती है स्टील बनाने में, साइंस में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो मात्रा की बात करते हैं। और भंडारा से, भंडारा में भी मैंगनीज मिलता है, बालाघाट में मिलता है, वहां से मिल जाता है। बंदरगाह की सुविधा मैंने बताया ही, परिवहन की सुविधा कोलकाता मुंबई रेल ट्रैक से। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही हो जाएंगे, बात समझ में आ गई, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार और किस देश के मध्य समझौता हुआ था। तो भिलाई में जो स्टील प्लांट है पूर्व सोवियत संघ के साथ इसका समझौता हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया था। और ये समझौता 1955 में पूर्व सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच में हुआ और 1959 में ये प्लांट स्थापित हो गया था। तो भिलाई वाला रूस, भिलाई रूस, कैसे भिलाई रूस, भारत आजाद हुआ 1955 में ही ये समझौता हो गया और 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शुरू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की पत्तन सुविधा प्राप्त होती है को, सॉरी एक्सटर्नली, सॉरी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी गेट्स पोर्ट फैसिलिटी, इसको पोर्ट फैसिलिटी किस पोर्ट के माध्यम से मिलती है। तो ये पोर्ट फैसिलिटी इसको मिलती है कोलकाता व हल्दिया से, है ना, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये कोलकाता व हल्दिया से ये पोर्ट फैसिलिटी प्राप्त करती है। दामोदर घाटी से वही क्षेत्र है, जल विद्युत मिल जाता है, बाजार इसको कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के तौर पर प्राप्त हो जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है इसको जोड़ देती है देश के अन्य NH2, आप सोचिए कहाँ कहाँ गया है, जरा NH2 देखिएगा मैप में, उनसे कनेक्ट कर देती है और रेलवे मार्ग भी इसको मिल जाते हैं। तो इस तरीके देखिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। मान लीजिए प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया और वो बिक नहीं पाया या कहीं भेजा नहीं जा सका तो क्या होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, इसको बोलते हैं इसको, है ना, इसको खिसको टिस्को पिस्को ऐसे सब नाम है ना। तो ये इसको की स्थापना कहाँ पर की गई थी, इसको की स्थापना पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है बर्नपुर, बर्नपुर में इसको की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी 1918 में पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में इसको कंपनी। रामगढ़ से इसको कोयला मिलता है और नूनडी व झरिया से कोयला मिल जाता है इसको। लवैस्क इसको गोवा की खान सिंहभूम झारखंड में है वहां से मिल जाते हैं। चूना पत्थर की जरूरत पड़ती है तो पाराघाट से ये मिल जाता है और मैंगनीज भी जरूरत पड़ती है तो ये जामदा बांसपानी से मिल जाता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़िएगा तो इसमें आप कीजिए कहाँ क्या पाया जाता है ये भी आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, जहां से मिलता है वहां पाया जाता है तभी तो। वर्ष 1907 में JN टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर, पहले साक्षी इसका नाम हुआ करता था, वहां पर की। और दूसरा है कि यह कारखाना दामोदर नदी के तट पर स्थापित है। 1907 की बात है, JN टाटा ने ये टिस्को जिसको अब टाटा स्टील के नाम से जाना, टाटा के नाम से जाना जाता है ना, टिस्को टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी इसी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, नाम क्या रखा गया, दूसरा नाम कोई बदला गया है जरा बताइएगा, तो अगर आपको पता होगा तो। साक्षी एक स्थान हुआ करता था झारखंड में, वहीं पर इसको स्थापित कर दिया था इन्होंने 1907 में, ठीक है। टिस्को के बारे में एक बार पूछा गया है कि इसको लॉयस कहां से मिलता है, तो लॉयस गुरु महशानी से मिलता है, बादाम पहाड़ से मिल जाता है, उड़ीसा में है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। और नोआमुंडी सिंहभूम से इसको कोयले की प्राप्त हो जाती है ना, नहीं ये लॉयस की, नोआमुंडी भी लॉयस के लिए जाना जाता है। कोयला इसको झरिया और बोकारो से मिल जाता है।
लेकिन पहला तो इसका बिल्कुल सही है, दूसरे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा। ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये दो नदियां हैं, एक है स्वर्णरेखा और एक है खरकई नदी। तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी ये ध्यान रखना उनके तट पर स्थित है, ना कि दामोदर नदी के तट पर, ठीक है। और बाकी इसके बारे में, श्रमिक जो है ये बिहार और यूपी से मिल जाते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास क्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में लौह इस्पात उद्योग शुरू हो गया था 1874 में ही, अंग्रेजों की सरकार थी और तभी से पश्चिम बंगाल में कुलटी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी और एक संयंत्र लगाया गया वहां पे, तो बंगाल सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर दिया गया, लिया गया बाद में, और इसका बराकर आयरन वर्क्स नाम इसका रख दिया गया था, बराकर आयरन वर्क्स इसका नाम रख दिया गया था। और यही पहले हुआ करता था बंगाल आयरन वर्क, 1874 में अंग्रेजों के समय में इसकी स्थापना हो गई थी। अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर पे हम चलेंगे। विभिन्न धात्विक खनिजों को आधार बनाकर जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, धात्विक खनिज है तो उद्योग क्या कहलाएंगे, धात्विक या अधात्विक? सिंपल सी बात है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। मेटेलिक बोलेंगे इसको, नॉन मेटेलिक बोलेंगे तो इसको मेटेलिक इंडस्ट्री बोलेंगे, धात्विक उद्योग बोलेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। विभिन्न धात्विक खनिजों को आधार बनाएंगे, जैसे लौह अयस्क है, तांबा है, जितना भी और धातु है उनको आधार बना के, है ना, आप धात्विक उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, वह थे बिग बॉस 11, 12, 13, 14 किसके विजेता थे? कभी कभी घटनाएं घटती हैं उससे वास्तव में हृदय द्रवित होता है। कोई किस क्षेत्र में काम करता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जब कम उम्र में कोई चला गया तो उसके परिवार वाले, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके चाहने वाले कितना दुखी होते हैं। बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में ये काम कर चुके थे। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3, अभी ये एकता कपूर का शो है, उसमें अगस्त्या के रोल में इन्होंने काम किया। बालिका वधु, दिल से दिल तक धारावाहिक में भी इन्होंने काम किया। झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 इसके भी ये पार्टिसिपेंट रहे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगला जो प्रश्न है, रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा भी की गई, इसके विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? भारत का नाम भी इसमें अक्सर आ ही जाता है, कई लोगों को मिल गया है। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2021 में रवीश कुमार नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और यहां पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रवीश कुमार को भारत का, मतलब भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब भारत से, भारत के रहने वाले हैं, तो रेमन मैक्सेसे पुरस्कार कब मिला था रवीश कुमार को, कब मिला था? ये प्रश्न आप इसी समय इसका उत्तर टाइप कीजिए, किस सन में मिला था, अवार्ड का ईयर क्या था। अगर ये आपको याद रहेगा तो कई बार आप कंफ्यूज होने से बचेंगे। तो ये था 2019। बाकी मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी और डॉक्टर फिरदौसी कादरी, इन सबको मिला है 2021 में। ये है किस क्षेत्र से रिलेटेड, इसमें जो अमजद का साकिब है ये एक दूरदर्शी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की, लाखों परिवार उससे लाभान्वित हुए। फिरदौसी कादरी बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं और इन्होंने टीकों का विकास किया है। और स्टीवन मुंशी मानवतावादी हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित शरणार्थियों को उनके जीवन में पुनर्निर्माण में मदद किया। वॉचडॉग ये प्रोडक्शन हाउस है जो इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए वृत्त चित्र फिल्म निर्माण और वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों को सरलता से इसने जोड़ने का काम किया है, इसको मिला है। राबोटो बैलोन को मिला है, ये फिलीपींस का एक मछुआरा है, अपने समृद्ध जलीय संसाधनों और आजीविका के प्राथमिक स्रोत को बहाल करने में एक समुदाय का इसने नेतृत्व किया है। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो एशिया का सर्वोच्च सम्मान और नोबेल पुरस्कार ऑफ एशिया के तौर पर इसको जाना जाता है। तीसरे फिलीपीन राष्ट्रपति थे, उन्हीं की स्मृति में इसको मनाया जाता है, दिया जाता है, और ये पुरस्कार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है और हर साल एशिया में व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ऐसे कार्य जो असाधारण प्रकृति के होते हैं, दूसरे लोग ऐसा नहीं करते नॉर्मली। विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नारियल इधर इस साल वैल्यू बहुत बढ़ गई थी नारियल की, और अगर पेपर सेटर ने भी नारियल पिया होगा तो वो पेपर सेट करेगा। कोरोना के समय प्लेटलिस्ट बढ़ाने के लिए
और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नारियल का, कोकोनट का खूब सेवन लोगों ने किया। 2 सितंबर को हर साल ये मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। और विश्व नारियल दिवस जो इस बार मनाया जा रहा है उसकी थीम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बार इसकी जो थीम है, इसका जो रखा गया है, COVID-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। तो कोविड से रिलेटेड है, इस कारण से इसमें प्रश्न बन सकता है। और वर्ल्ड कोकोनट डे एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन का भी स्मरण करता है। 2009 से हर साल इसको मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, तब से ये मनाया जाता है। नारियल वास्तव में बड़ी अच्छी चीज है, आपको पीना है तो ये पीजिए, कोल्ड ड्रिंक की जगह मठा पीजिए, छाछ पीजिए, इसको पीजिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। अन्य भी जो पेय पदार्थ मार्केट में एप्पे वगैरह सब दुनिया भर का है, उसको मत पीजिए। बाकी जो पीने वाली चीजें और भी हैं उनको भी मत पिया कीजिए। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, अरे तो और अच्छी अच्छी चीजें उनको पीजिए। सैयद अली शाह गिलानी कौन थे? सैयद अली शाह गिलानी का अभी निधन हो गया, और सैयद अली शाह गिलानी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये एक अलगाववादी नेता थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने सुना है ना, तो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख थे, और अभी इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 91 साल इनका निधन हुआ है। दोनों इसमें विकल्प सही हो जाएंगे। और ये बांदीपोरा तहसील के जरीमुंज गांव के सैयद पीर शाह गिलानी के घर में पैदा हुए थे, कश्मीर में। और सोपोर में ही इन्होंने शिक्षा उच्छा प्राप्त की, लाहौर पाकिस्तान के ओरिएंटल कॉलेज में अपनी पढ़ाई की, और फिर इनकी अलगाववाद के लिए जाने जाते थे। इतनी इंफॉर्मेशन इनके लिए बहुत है। अगला जो प्रश्न है, जापात 2021 अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको जानिए, ये है क्या जापात जो है, ये एक थिएटर स्तर का अभ्यास माना जाता है। रूसी सशस्त्र बलों का आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होता है। ये यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यूरेशियाई क्षेत्र के और एशियाई क्षेत्र के दोनों, मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत, बेलारूस, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, है ना, म्यांमार, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, ये सब इसमें शामिल हो रहे हैं। जापात 2021, बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो जापात 2021 का अभ्यास ये रसिया में इस बार किया गया है, और ये जो अभ्यास है 3 से 16 सितंबर, अभी ये कल से शुरू होगा। निंजी एक स्थान पड़ता है रूस में, है ना, तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, और रूस में निंजी में इस बार ये आयोजित हो रहा है जापात 2021। ये देश इसमें पार्टिसिपेट, 17 देश ये भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग कहां पर स्थित है? और इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी इसका उद्घाटन किया गया है, इस मोटर मार्ग का। दुनिया का जो सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है, ये 18,600 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रा पड़ता है, केला दर्रा से गुजरने वाला सड़क मार्ग है ये, जम्मू कश्मीर। और इसे रिलेटेड मत कीजिएगा, इसको इसको थोड़ा सा और बढ़िए आप, लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने वाला मार्ग है, लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने वाला ये मार्ग है ना। और इसका अभी उद्घाटन किया गया, और ये पूछा जा सकता है आपसे, इसको भारतीय सेना की 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने निर्मित किया है। 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट भारतीय सेना की है, उसने निर्माण किया। ऐसे दूरगामी इलाकों में, ऐसे कठिन दुष्कर इलाकों में जो मार्ग बनते हैं उनका निर्माण सेना ही करती है, बॉर्डर पे सेना निर्माण करती है ना। और ये जो है, ये लेह और पैंगोंग झील से जोड़ने वाली जो सड़क है वहां से ये, और पैंगोंग झील लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली हुई एक झील है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तिमाही आंकड़े जारी होने के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में भारत की सबसे तेज वृद्धि कब दर्ज की गई? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक आंकड़े जारी किए, जून 2021 तक भारत की आर्थिक वृद्धि की तिमाही आधार पर जो आंकड़े जारी किए गए, तो उसमें पाया गया कि ये रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है जून 2021 में, और ये वृद्धि रही है जून 2021 में ये 20.1%। ये 2020 में इसी तिमाही में 24.4% का संकुचन हुआ था, और सकल घरेलू उत्पाद 3 महीने की अवधि में अभी क्या हुआ, 20.1% हो गया है। 2021-22 की ये पहली तिमाही है जिसमें जीडीपी स्थिर कीमतों पर 32.3
8 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। तो 2020-21 की पहली तिमाही में यह कम थी। अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है ये जून 2021 तक का रहा है। आपसे पूछा जा सकता है भारत की आर्थिक वृद्धि तिमाही के रिकॉर्ड स्तर पर कब पहुंची, तो जून 2021 में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसने ये डेटा जारी किया है। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसी बार मना रहा है, 31 अगस्त 2021 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रस्ताव को अपनाया दिसंबर 2020 में, और पहली बार 31 अगस्त 2021 को यह मनाया जा रहा है। यूएन जनरल असेंबली जो है उसने अभी 2020 में ही इसको पारित किया है, है ना। अफ्रीकी लोगों की जो विरासत है, संस्कृति है, उनका जो योगदान है, तो उसको मान्यता देना, उनको सम्मान देना उद्देश्य है इस दिवस का। बात समझ में आ रही है? मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के हाल ही में 240 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश पारित किया गया, तो उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश जो पारित किया है ये कहां के लिए किया है? कहां स्थित है ये टावर? कौन से टावर है ये? किसने इसको डेवलप किया गया? क्या मामला था इसका? तो ये नोएडा में स्थित है। 40 मंजिला टावर है, 850 फ्लैट्स है। नोएडा के सुपरटेक लिमिटेड समूह ने इसका डेवलपमेंट किया था। सुपरटेक ने इमारतों के बीच की दूरी और अग्नि सुरक्षा के संबंध में नियमों का उल्लंघन किया था। जब यहां पर रेड हुई तो इसने अपना केस की सुनवाई के दौरान आर्डर दिया। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? ये कहां पर? नोएडा में है। नोएडा, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सुपरटेक समूह की मिलीभगत हो गई, घूस उस खा लिया लोगों ने, सब बराबर कर दिया, और उसी में यह मामला गड़बड़ हुआ। कम जगह में ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, लोगों की जिंदगी के साथ क्या होगा यह किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इसी कारण से यह झेलना पड़ रहा है इनको। जीआईसी लेक्चरर का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओईआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ आप उठा सकते हैं। जीआईसी लेक्चरर के लिए 1 से 15 सितंबर के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही है लाजवाब है। 40 क्वेश्चन का जीएस का प्रैक्टिस सेट आप करिए, उसका पीडीएफ लीजिए, रिवाइज करिए, आप करके देखिए कितना लाभ आपको मिलेगा। और आगे नई टेस्ट सीरीज भी हमारी लॉन्च होने वाली है। जिनको क्लासेस भी चाहिए सफलता प्रोग्राम वो ज्वाइन करें। किसी भी जानकारी के लिए 6307281212 पर कॉन्टेक्ट करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। अंतिम प्रश्न है, पोषण अभियान कब लॉन्च किया गया था? पोषण अभियान क्यों चर्चा में रहा? पोषण अभियान अभी इसका एक 2.0 कार्यक्रम, इसका वर्जन जारी किया गया है, पोषण अभियान या पोषण कार्यक्रम का 2.0 वर्जन। बेसिकली ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च का जो दिन होता है, 8 मार्च का दिन होता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पोषण का अर्थ है प्राइम मिनिस्टर्स ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और सरकार ने पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिर 2021-22 के बजट भाषण में इसके दूसरे वर्जन 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की, और यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में पोषण सामग्री वितरित करने, आउटरीच, परिणामों को मजबूत करने का प्रयास करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे ये पोषण जो माह है इसमें अलग अलग हफ्तों के टारगेट रखे गए हैं, लेकिन वो चारों हफ्तों के अलग अलग थीम, अलग अलग टारगेट वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पोषण माह कब? तो सितंबर महीने में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना आप। ये पूछा जाता है पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? समुदाय को संगठित करके लोगों की भागीदारी को, पार्टिसिपेशन को उनको बढ़ाया जा सके। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली धात्री महिलाएं हैं, माँ, बच्चे, किशोरी जो हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके चिंता की जाती है, पोषण उनको मिल सके, न्यूट्रिशन उनको मिल सके, वो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, और मंथली जो टेस्ट प्रोग्राम हमारा है उसमें तो आप पार्टिसिपेट अलग से करते ही हैं, वीकली टेस्ट इसके अंतर्गत हम फ्री ऑफ कास्ट आपको देते हैं, मंथली का मतलब जो समय समय पर जारी होते रहते हैं, तो इसको 109 के सब्सक्रिप्शन में आप ले सकते हैं आईएसप्रेप एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।